हेलो, कितना हो गए सारे? सड़ा आज तक टॉपिक है गया पार्ट 2 ऑन प्रूफ। ठीक है, जितना तो सारे जानते हो कि एविडेंस एक्ट है वो 3 पार्ट से डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 जिधर सीखा वो सी कर चुके हैं, जिधर जिधर चैप्टर 1 से चैप्टर 2 आपा कर चुके हैं। ठीक है, 1 जिधर सीखा इंट्रोडक्शन सीखा और सेकंड सीखा रेलेवेंसी ऑफ एक्ट थे। और हम जो सारा टॉपिक है गया वो ऑन प्रूफ है। ठीक है, पार्ट 2 जोड़ा है गया वो ऑन प्रूफ है। और पार्ट 2 दे विच टोटल 4 चैप्टर से पढ़ांगे, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। ठीक है, 3 टू 6 तक चैप्टर जोड़े ने, और सेक्शन 56 तो लेके 100 तक जोड़े आएंगे वो आप ये पढ़ांगे। क्लियर है? इन असी 4 पार्ट से डिवाइड किया चैप्टर वाइज। चैप्टर 3 अलग लिखे है, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। चैप्टर 3 गल करता है द फैक्ट्स नीड नॉट बी प्रूव्ड। इधर से 3 सेक्शन ने, 56, 57 एंड 58। ठीक है, द फैक्ट्स नीड नॉट बी प्रूव्ड। और चैप्टर 4 है ऑफ ओरल एविडेंसेस, चैप्टर 5 है ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, सेक्शन 61 टू 90 ए तक। इस चंक पार्ट 2 दे सब तो व्डा चैप्टर जोड़ा वो आप यही पढ़ा। ठीक है, अराउंड मोर दैन 30 सैक्शन ये आप पढ़ा चैप्टर 5 सब तो व्डा चैप्टर यही है इस चंक के। और लास्ट ये चैप्टर 6 है एक्सक्लूजन ऑफ अदर एविडेंसिस बाय द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, पर अगर तुम यदि हैडिंग पढ़ोगे अपनी बीएड के चैप्टर 6 की ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, मतलब जो बुक दे विच लिखे है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, पर मैथ के लिखे एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंसेस बाय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मतलब बुक दे विच इतने जो वर्ड है वो ओरल वर्ड यूज किया है, इतनी जगह ओरल वर्ड यूज किया है। ठीक है, पर मैं ते वर्ड की यूज किता है, मैं ते वर्ड यूज किता है एविडेंसेस। ठीक है, वैसे बुक दे विच की है उत्ते वर्ड है ओरल, मतलब एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंसेस। बुक के इतने वर्ड यूज किया है ओरल, पर आप इतने वर्ड यूज कर रहे हैं एविडेंसेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि जड़ा है सिर्फ ओरल दी एक्सक्लूजन नहीं होएगी। ठीक है, इन्हें थोड़ा ध्यान ना समझो। एक्सक्लूजन ऑफ अदर एविडेंसेस बाय द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब की है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गया है तो वो बिहाफ से असी ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंसेस अगेंस्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर कोई प्रिपेयर होया है तो वो जगह असी ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। बुक के विच है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंसेस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, पर सिर्फ आप ओरल नहीं दे सकते, होर भी कोई एविडेंस नहीं दे सकते। अगर इन्हों आप थोड़ा जा करैक्ट कर लीए, सिर्फ ओरल एविडेंसेस ही एक्सक्लूड नहीं है, किसी तरीके से भी एविडेंस आप बिहाफ से नहीं दे सकते। ठीक है, जो आप चैप्टर करांगे तो अपना थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मतलब तुसी इस करके मैं तुम्हें थोड़ा जा समझा रहे हैं कि बुक दे विच इत्थे वर्ड ओरल यूज किया है पर मैं इत्थे एविडेंस वर्ड यूज किया है। ठीक है, अगर करैक्ट वर्ड इत्थे जिहड़ा आएगा वो एविडेंस आएगा, ओरल नहीं होएगा। एक्सक्लूजन ऑफ सिर्फ ओरल एविडेंसेस की एक्सक्लूजन नहीं है ओवर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, रादर कि किसी तरीके का भी एविडेंस नहीं दिता जा सकता ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बिहाफ से। ठीक है,
ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਪਟਰ ਥਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਫੈਕਟ ਨੀਡ ਨੋਟ ਬੀ ਪਰੂਵਡ, ਚੈਪਟਰ ਥਰੀ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ 56, 57 ਐਂਡ 58, ਤਿੰਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਸੇਬਲ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਡਮਿਟਡ ਫੈਕਟਸ। ਦੋ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਹੈ, 56 ਐਂਡ 57 ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਸੇਬਲ ਫੈਕਟ ਔਰ 58 ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਡਮਿਟਡ ਫੈਕਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਸੇਬਲ ਫੈਕਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜੋ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਕਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਸੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ 56 ਐਂਡ 57 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਫੈਕਟ ਆਫ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟਿਸ ਨੀਡ ਨੋਟ ਬੀ ਪਰੂਵਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਪਰੂਵਡ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਗਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 57 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 57 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ 58 ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਡਮਿਟਡ ਫੈਕਟ, ਜੋ ਫੈਕਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਲੇਮ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਵਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ ਵਰਚੂ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨ 58 ਔਰ 56 57 'ਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਸੇਬਲ ਫੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਪੋਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਸਪੋਜ਼, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਗਰ ਜੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਓਪਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਫੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ 2021 2020 ਲੈਣਾ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ 1 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੋਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਬੱਚਾ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੇ ਵੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੋਰਮਲ ਜੋ ਹੈ 9 ਮੰਥਸ ਤੱਕ ਉਹ ਮਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਦਰ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਮੰਥਸ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਔਰ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਈ ਸ਼ੋਇੰਗ ਹਿਸ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੈਟ ਆਈ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਔਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2020, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੱਜ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ
एविडेंसेस नहीं कराने पैणगे, ना आके दसना पएगा कि उस टाइम वो लेडी प्रैगनेंट सी, और उसी प्रैगनेंसी के नाल ही 1 जून 2020 नूं इस बच्चे का जन्म होया। ये चीज़ उन्हूं बाय एविडेंसेस प्रूव नहीं करनी पएगी, जज जिहड़ा है इस चीज़ का नोटिस ले सकता है। क्लीयर है? ठीक है, ये जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट ने और जुडिशियल एडमिटेड फैक्ट जिहड़े ने वो आपां 58 दे विच करांगे कि अगर कोई कोर्ट दे विच कोई चीज़ एडमिट कर लैंदा है तो उन्हूं प्रूव कराने की लोड़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफ ओरल एविडेंसेस चैप्टर 459 एंड 60 जो है इस आप दो सेक्शन पढ़ांगे, दो छोटा है चैप्टर। ठीक है, ऑफ ओरल एविडेंसेस, ओरल एविडेंसेस जिहड़ा इहदा स्कोप है वह सैक्शन 59 दे विच है। ठीक है, कि ओरल एविडेंसेस किहड़े होणगे, उन्हां दा की किद्दां चलेगा, वह सब आप सैक्शन 59 दे विच पढ़ांगे, और उन्हें रेड विल सैक्शन 63 एंड 65 किया जाता है। ठीक है, वो आप जो डिटेल से पढ़ा उदो आप देखा, और इधर नेचर जो है सैक्शन 60 के आ जाएगा। ठीक है, नेचर की है कि जोड़े ओरल एविडेंस होंगे मस्ट भी डायरेक्ट हो गए। ठीक है, एंड नॉट बी हीयर से, जोड़े ओरल एविडेंस होंगे वो डायरेक्ट होया करेंगे और हीयर से नहीं होंगे। ठीक है, फस्ट प्रोवाइजो ये सैक्शन 60 से दो प्रोवाइजो ने, फस्ट प्रोवाइजो की गल कर रहे हैं कि हीयर से नहीं होंगे। ठीक है, मेन सैक्शन की कहता पाया, मेन सैक्शन कहता पाया कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ठीक है, मेन सैक्शन कह रहा है कि डायरेक्ट होने चाहिए, और यदि जो फर्स्ट प्रोवाइजो कह रही है कि हियर से नहीं होंगे। ठीक है, पर सेकंड ठीक है, इधर जब आप पढ़ लेंगे, और सेकंड प्रोवाइजो जी है वह एडमिसिबिलिटी ऑफ मटीरियल थिंग्स की गल कर रही है कि सिर्फ ओरल और डॉक्यूमेंट्री ही नहीं होंगे, कुछ मटीरियल थिंग्स भी होंगियाँ जो आप सैक्शन 60 की सैकंड प्रोविजन विच पढ़ांगे कि एविडेंसेस सिर्फ ओरल ते डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होंगे, एक थर्ड चीज़ भी होंगी, मटीरियल थिंग्स भी होंगे ने जो कोर्ट के जो चीज़ें पेश की जाएँ ने। ठीक है, जो कपड़े फटे हुए कपड़े पेश किए जाते हैं, अगर किसी लेडीज आउटेज मोडेस्टी हुई है तो वह जो फटे टॉन क्लोथ्स होंगे वो जो पेश किए जाते हैं, जो कोई होर मटीरियल थिंग्स जो कपड़े वगैरह या जो हथियार वगैरह जो पेश किए जाते हैं, वो सब जो मटीरियल थिंग्स ने वो आप सैक्शन 60 की सैकंड प्रोवाइजो के पढ़ा, उन्होंने एडमिसिबिलिटी सैक्शन 60 की सैकंड प्रोवाइजो के आप पढ़ा। ठीक है, फिर नैक्सट चल गया ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसिस। ठीक है, चैप्टर 561 to 90 ए तक काफ़ी व्डा चैप्टर है, इनू आप तीन पार्ट से डिवाइड किया, काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ ऑफ ओरिजिनैलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड प्रजम्पशन ऑफ ओरिजिनैलिटी। ठीक है, पर इतने देखो सैक्शन जोड़े ने ना, इन्हों मैं सीरियल ऑर्डर से नहीं लिखा, इन्हों मैं इतने अलग अलग तरीके अगे पीछे लिखा है। सब तो पहले जो मैं लिखे काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स सैक्शन 74 to 78 तक जो अभी पढ़ा वो आप पढ़ा काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, काइंड कि होंगे ने, पब्लिक डॉक्यूमेंट तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होंगे काइंड की अगर आप गल करा तो दो तरह के डॉक्यूमेंट्स हो गए। ठीक है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ते प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स एक काइंड्स ने। ठीक है, ये आप इतने पढ़ा सैक्शन 60 दे सैक्शन 74 तो लेकर 78 तक पब्लिक ते प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स दो तरह के डॉक्यूमेंट होंगे है। ठीक है, फिर दूसरा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। ठीक है, ये आप पढ़ा 61 तो लेके 66 तक डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्स केड़े-केड़े होंगे ने, उदे जब आप पढ़ा प्राइमरी ते सेकेंडरी डॉक्यूमेंट 61 तो लेके 66 तक आप पढ़ा प्राइमरी ते सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डैम डॉक्यूमेंट्स दो तरह के होंगे, एक प्राइमरी होंगे और एक सेकेंडरी होंगे, उन्होंने यूज की होंगे जो अभी चैप्टर पढ़ा उदो आप क्लीयर करा। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझ लें कि आप 61 तो लेकर 66 तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो आप देखा उस पढ़ा कि डॉक्यूमेंट दो तरह के होंगे, प्राइमरी ते सेकेंडरी। ठीक है, काइंड्स जो काइंड्स की गल करिए तो वो दो तरह के होंगे, पब्लिक ते प्राइवेट, और ये 61 तो 60 तक आप पढ़ा प्राइमरी ते सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स। फिर ये बी पार्ट है प्रूफ ऑफ ओरिजिनैलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, प्रूफ ऑफ ओरिजिनैलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट,
67 तो लेके 73 तक कि जो डॉक्यूमेंट आएंगे, ठीक है, जो आप पेश करांगे डॉक्यूमेंट, उन्होंने सानू प्रूफ भी करना पड़ेगा कि ये ओरिजिनल है। 67 तो लेके 73 तक प्रूफ ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, कि जो डॉक्यूमेंट आएंगे उन्होंने आप प्रूफ कैदा करांगे कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। ठीक है, बेसिक रूल है, जो भी कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट दे विच पेश किया जाएगा, कोर्ट दे विच लेके आया जाएगा, तो उन्होंने सब तो पहले अपन ये प्रूफ करना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट जोड़ा है ये ओरिजिनल है या नहीं है। ठीक है, जो भी असं एविडेंस देवे तो वो सब तो पहले तो आप ये क्लीयर करा कि डॉक्यूमेंट जोड़ा है ये ओरिजिनल है या नहीं है, ये सबको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, और बाद पढ़ा प्रजम्पशन ऑफ ओरिजिनैलिटी। ठीक है, इतने देखो मतलब जो बी पार्ट है सी पार्ट वो एक्सैप्शन है, ये अगर नहीं पढ़े जाए तो समझ लेना कि आज जो इतने मैं लिखा हुआ है ये एक्सैप्शन है। ठीक है, मैं इतने होर क्लीयर करके लिख दिना। इतने मैं लिखे एक्सैप्शन है वर्ड। ठीक है, एक्सैप्शन तुम समझते ही हो, एक्सैप्शन की होंगी है मतलब जो आप बेसिक रूल है प्रूफ ऑफ ओरिजिनैलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट 67 तो 73 तक जो आप पढ़ा सी पार्ट उन्होंने एक्सैप्शन है प्रजम्पशन ऑफ ओरिजिनैलिटी, मतलब कि जो अपन इतने प्रूफ करना पै रहा है। ठीक है, जो अपन बी चंक के जो प्रूफ ऑफ ओरिजिनैलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट 67 तो 73 तक जो सू प्रूफ देना पै रहा है। ठीक है, उदा लास्ट जो सी पार्ट है प्रजम्पशन ले रहा है 79 तो लेकर 90 ए तक कि उन्होंने अपन प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, वो आप प्रजम्पशन ले लेंगे। ठीक है, 79 तो लेकर 90 ए तक कि लावे प्रजम्पशन जीडिया ने वो फिर दो तरह की हो जाएगी। मे ते शैल। ठीक है, मैं पहले भी तुम्हें दसता कि मेन ने तो किड़े शैल ने, और ये आप दोबारा फिर जो सैक्शन बढ़ा फिर आप पढ़ लेंगे कि मे वर्ड यूज किया है, मतलब जितने कोर्ट की मर्जी है चाहे तुम अक्सैप्ट कर ले प्रज्यूम कर ले या ना करे, और शैल दे विच है कि जितने कोर्ट ने प्रजम्पशन लेनी लैनी है, पर दोनों जड़िया ने मे तो शैल रिबटेबल प्रजम्पशन ने, यह तुम चीज क्लीयर है। ठीक है, प्रजम्पशन ऑफ ओरिजिनैलिटी सैक्शन 79 तो लेकर 90 ए तक, मतलब जो आपको बी चंक के प्रूफ ऑफ ओरिजिनैलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट 67 टू 73 तक जो चीज़ आपको प्रूफ करनी पै रही ने उन्होंने अगर वो कितने 79 तो 90 ए सैक्शन तक अगर कितने फाल कर जाती है तो उन्होंने प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, उत्तर कोर्ट जी प्रजम्पशन अपने आप ले लेगी, मतलब जो बी है सी जो चंक है वह बी चंक का दी एक्सैप्शन है, उत्तर उन्होंने अपन प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, कोर्ट अपने आप ही उन्होंने प्रजम्पशन ले लेगी। मे है या शैल है, मे होगी तो कोर्ट की मर्जी है चाहे प्रजम्पशन लवे या ना लवे, और शैल है तो कोर्ट प्रज्यूम करेगी करेगी, पर दूसरी पार्टी को राइट रहेगा दोनों केसों के विच कि इन्हों डिसप्रूव कर सकती है। ठीक है, मे और शैल ये विच आ जाएगा। फिर अपने को इतने लास्ट चंग है एक्सक्लूजन ऑफ अदर एविडेंसिस बाय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, एक्सक्लूजन ऑफ अदर एविडेंसिस बाय द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होएगा ना तो की होएगा उन्हों कोर्ट एक्सक्लूड कर देगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे विच, कि अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होया से अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनया सीगा तो उन्हों अपा एज पर बेयर एक्ट ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। ठीक है, एज पर बेयर एक्ट है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होया तो असी वास्ते ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, पर जो तुम डीपली पढ़ोगे बहुत ध्यान ना पढ़ोगे तो फिर तुम ये कंक्लूड करोगे कि सिर्फ ओरल ही नहीं असी किसी तरीके का भी एविडेंस नहीं दे सकते, सिर्फ ओरल ही नहीं एक्सक्लूड किए गए, सारी तरह के एविडेंस जोड़े एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है, क्लीयर है, एक्सक्लूजन ऑफ अदर एविडेंस बाय द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। मैं इतने वर्ड यूज किया एविडेंस, पर बेयर एक्ट के लिखा ओरल, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस ओरल बाय द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, पर मैं इतने वर्ड अदर एविडेंस करता है जिदा मतलब है कि सिर्फ ओरल ही नहीं, सारी तरह के कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते जिथे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होएगा,
ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ 91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 91 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 91 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਗਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਓਰਲੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੋ ਪਰਸਨ ਨੇ ਏ ਔਰ ਬੀ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਏ ਔਰ ਏ ਪਰਸਨ ਔਰ ਬੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਏ ਔਰ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਏ ਨੇ ਬੀ ਤੇ ਸੂਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਏ ਨੇ ਬੀ ਨੂੰ ਸਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਰ ਓਰਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਵਰਚੂ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨ 90 ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ 91 ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਗਿਵ ਓਰਲ ਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਓਰਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਜ ਦ ਕੰਟੈਂਟਸ ਆਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਾਈ ਵਰਚੂ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨ 91 ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਰਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਏ ਔਰ ਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਅਗਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਓਰਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਰਲੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਓਰਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਓ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹਾਵ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਓਰਲੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਅਗਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿਹਾਵ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 92 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹ 91 ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੂਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 92 ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 92 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 91 ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ੋ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 92 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ੋ 91 ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈ 91 ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ 92 ਹੈਗੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੂਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕਸ ਇਹਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ 91 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 92 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਚੰਗਰ 93 ਐਂਡ 94 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਨੇ ਉਹ 93 94 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਦਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ 93 ਐਂਡ 94 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 6 ਦੀਆਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ 95 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ 95 to 98 95 96 97 98 ਜੋ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 91 ਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ 99 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 92 ਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜੋ 100 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ 6 ਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 95 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ 95 96 97 98 99 100 ਜਿਹੜੇ ਆ 6 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਮੈਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 95 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 98 ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 91 ਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 99 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 92 ਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਔਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 100 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ 6 ਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ
मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देना कि चैप्टर 6 जेड़ा है ये हैगा एक्सक्लूजन ऑफ अदर एविडेंसेस, ठीक है, चैप्टर 6 हैगा एक्सक्लूजन ऑफ अदर एविडेंसेस बाय द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चैप्टर 6 है, सेक्शन 91 तो लेके 100 तक सेक्शंस ने, बेसिक रूल जेड़ा है वो 91 दे विच हैगा, ठीक है। बेसिक रूल की है, बेसिक रूल यही है कि अगर कोई चीज डॉक्यूमेंटेड हो चुकी है तो तुसी ओदे वास्ते ओरल डिस्पोजिशन नहीं दे सकते, और बेरेक्ट दे विच भी वर्ड लिखा एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंसेस बाय द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, पर मैं ओरल की जगह इतने वर्ड यूज किया अदर, ठीक है, मैं ओरल नहीं यूज किया, मैं अदर यूज अदर एविडेंसेस यूज किया, ओरल एविडेंस नहीं यूज किया, अदर एविडेंस किया, क्योंकि जो तुसी इन डेप्थ पढ़ोगे, जो पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो तुसी आप ही करोगे कि सिर्फ ओरल ही एविडेंस एक्सक्लूड नहीं किया गया, सार तरह के मतलब अदर दे विच ओरल भी इंक्लूड है, ठीक है, मतलब इन आप ऐसा समझ सकते हैं कि अदर दे विच ओरल भी जड़ा है वो भी इंक्लूड है अदर दे विच, ठीक है, एक्सक्लूजन ऑफ अदर एविडेंसेस बाय द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सिर्फ ओरल ही नहीं एक्सक्लूड किए गए, हर तरह के कर दिए गए हैं। फिर 92 दे विच सप्लीमेंट्री रूल है, मतलब 91 दी ही एक्सटेंशन है, और 91 दी प्रोवाइजो बेसिक रूल जो 91 दे विच देता, 91 दे विच सेक्शन जो है वो काफ़ी वड्डा सेक्शन हैगा, उदे विच बेसिक रूल भी हैगा 91 दे विच, और उदे च एक्सेप्शन्स भी हैगियां ने, ठीक है, दो एक्सेप्शन ने और एक्सप्लेनेशन भी हैगियां ने, ठीक है, और उही जिहड़ी है एक्सेप्शन्स ने हुण अगे फर्दर 92 दे विच प्रोवाइजो ने 6 प्रोवाइजोज ने, ठीक है, इसे करके 92 सैक्शन जो है इनको कहा जाता है कि 91 की एक्सटेंशन हैगी है, या वो ही 91 की ही अगर फर्दर जो 91 के जो बेसिक रूल दिता गया है वो अगे फर्दर 92 के प्रोवाइजोज ने, 91 के दो प्रोवाइजोज ने और 92 के 6 प्रोवाइजोज ने, मतलब जो बेसिक रूल है 91 का जो बेसिक रूल ने वो आप कह सकते हैं 2+8, ठीक है, मतलब 2 जिहड़ियां ने वो एक्सेप्शन सैक्शन 91 के ने, और प्लस 6 एक्सेप्शन जिहड़ियां ने 92 सैक्शन के ने, टोटल 8 एक्सेप्शन ने बेसिक रूल जिहड़ा है उहदियां टोटल 8 एक्सेप्शन हैगियां ने, ठीक है। फिर 92 के सप्लीमेंट आप क्लीयर कर लिया, फिर 93-94 जिहड़ा एक्सप्लेनेशन ने, और 95-100 तक जिहड़ा एक्सेप्शन हैगियां ने, कुछ टोटल 6 एक्सेप्शन ने, 91 दी एक्सेप्शन, 95-96-97-98 चार एक्सेप्शन ने, सेक्शन 92 दे 99 सेक्शन जिहड़ा उहदी एक्सेप्शन है, और चैप्टर 6 दी पूरे चैप्टर 6 दी 100 सेक्शन अपने आप च एक्सेप्शन है, ठीक है। एक बार फिर हल्का जिहा रिपीट कर दिंदे हां, पार्ट 2 आपां पढ़ रहे, पार्ट 1 आपां पढ़ चुके, पार्ट 1 दे विच आपां पढ़िया सी चैप्टर 1 ते चैप्टर 2, चैप्टर 1 सी इंट्रोडक्शन और दूसरा सीगा रेलेवेंट फैक्ट दे आपां पढ़िया सी चैप्टर 2, और हुण आपां पार्ट 2 दे विच चार सेक्शन चार चैप्टर्स ने, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, ठीक है, और सैक्शन है 56-100 तक। पहला आप 1 तो लैके 55 तक आप पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 के आप पढ़े थे 1 तो लैके 4 सैक्शन पढ़े थे, ठीक है, और 3 जो रिपीट सेगा, सैकंड 2 रिपीट सेगा, और चैप्टर जो 2 से वो आप पढ़े से 5 तो लैके 55 तक आप सैक्शन पढ़े थे। हुण आप जो पढ़ने 3 टू 6 तक जो चैप्टर है ये आप 56 तो लैके 100 सैक्शन पढ़ने हैं, और पहला जो चैप्टर है चैप्टर 3 है द फैक्ट्स नीड नॉट बी प्रूव्ड, ये 3 सैक्शन है 56, 57, 58, 56 और 57 जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स ने, और 58 दे जुडिशियल एडमिटेड फैक्ट्स, जो कोर्ट दे विच कोई आके अगर एडमिट कर लैंदा है चीज तो उन्हें प्रूव करने की लोड़ नहीं है, ठीक है। और चैप्टर 4 दे विच असीं पढ़ांगे ओरल एविडेंसेस, 59 और 60 सैक्शन है, दो सैक्शन ने, ठीक है, और फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पढ़ांगे चैप्टर 5 जिहदे विच 61 तो लैके 90 ए तक आपां पढ़ांगे, पहले काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, काइंड कहड़े होंगे पब्लिक ते प्राइवेट डॉक्यूमेंट होंगे 74 तो लेके 78 तक, फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 61 तो लेके 66 तक जिहदे विच आपां पढ़ांगे प्राइमरी एंड सैकेंडरी डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर नैक्सट है बी चंक जिहड़ा है उहदे च है प्रूफ ऑफ ओरिजिनैलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, कि जो चीज़ डॉक्यूमेंट असीं जदों भी कोई डॉक्यूमेंट असीं कोर्ट दे विच अगर पेश करांगे तो सानूं सब तो पहले प्रूफ करना पएगा कि वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, ठीक है, क्योंकि हमेशा जिहड़े होंदे ने बेसिक रूल है कि हमेशा ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट कोर्ट दे विच पेश किया जाता है, और एक्सेप्शन दे विच वो कितने ना कितने एक्सेप्शन च जाके वो आप जिहड़ा सैकेंडरी एविडेंस मतलब कि जिहड़ा जो ओरिजिनल नहीं है वो प्रूव करते हैं, पर बेसिक रूल की होंदा असीं ओरिजिनल ही कोर्ट दे विच लैके आना होंदा है,
ਔਰ ਬਰਡਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਓਰਿਜਨਲ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 67-73 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਓਰਿਜਨਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਓਰਿਜਨੈਲਿਟੀ 79 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 98 ਤੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਓਰਿਜਨਲ ਹੈ। ਕੁਛ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚ 79-90 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਕੁਛ ਸ਼ੈਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇ ਔਰ ਸ਼ੈਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ੰਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ੂਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ੈਲ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਓਰਿਜਨਲੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇ ਔਰ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਬਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇ ਔਰ ਸ਼ੈਲ ਦੋਨੋਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮੇ ਐਂਡ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਬਟੇਬਲ ਪ੍ਰਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕੰਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਇਰਰਿਬਟੇਬਲ ਪ੍ਰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇ ਔਰ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਬਟੇਬਲ ਪ੍ਰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਚੰਗਾ ਚੈਪਟਰ 6 91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। 91 ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਹੈ, 92 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਬੇਸਿਕ ਰੂਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੂਲ ਹੈ। 93-94 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੈਪਟਰ 6 ਦੀਆਂ, ਔਰ 95-100 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨੇ। 95-98 ਸੈਕਸ਼ਨ 91 ਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, 99 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 92 ਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਚੈਪਟਰ 6 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ 100 ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ।